पापा जो मैं रखनी है का भाई की तरह बहन की तरह अपनी की तरह है। अल्ले अल्ले भैया अल्ले भैया अल्ले भैया ले अलियो अयो आजा 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 क्या खाएगी क्या खाएगी क्या खाएगी क्या खाएगी ये बच्चा। हेलो एवरीवन, राधे राधे। जो लास्ट व्लॉग मैंने शेयर किया था उसी के आगे का ही है ये। तो मैं अपनी गाय की तरफ आई हुई हूँ और ये मेरी जुआ है ना, ये ब्याहने वाली है, यानी ये बच्चा देने वाली है, इसके बच्चा होने वाला है। इसकी हो रहा था दर्द, तो बस मम्मी वही देखने आई थी। सुबह से परेशान थी ये, तो मम्मी बार बार इसको चेक करने आ रही थी। काम भी हो रहा था घर पर, जैसे मैंने कल दिखाया था आपको, और बार बार इसको चेक भी करने आ रही थी। हेलो एवरीवन, तो मैं ना पीछे आई हूँ अपनी जगह घर के, और यहाँ हमारी गाय वाय बनती। हाँ मम्मी, हाँ आ रही। तो ये जो है ना, ये हमारी गाय है, वो वाली मैं दिखा रही थी ना अभी, वो वाली उधर जो है वो ब्याई है, यानी उसने बछिया डाली है, बछिया दी है, और वो हो गए उसको लगभग पंद्रह दिन से हो गए। और ये उसी की बेटी है, ये वाली जो पहली बार माँ बनेगी, ये पहली बार जो है इसकी बच्चा होगा। तो अभी ये भी परेशान है, जब भी हो मतलब वो हो जाए तभी है, बहुत परेशान है। मम्मी यही तो कह रही थी कि बहुत ज़्यादा परेशान है बेचारी। अब इंसान के तो पेट पे हाथ फिराओ, उसकी केयर करो, अब ये तो ये बेचारी के किसी कह सकती नहीं है, कष्ट उसको उतना ही होता है। तो बस अभी पता नहीं कब होगी क्या होगा, लेकिन कष्ट उसको बहुत हो रहा था। मैं वही देखने आई थी अपनी गैया को, और उसी की बेटी है ये पहली, सबसे पहली, मतलब उसकी भी पहली बेटी है, और इसके भी बच्चा होने वाला है, मतलब होने वाला है। मैं वो दिखाऊँ भी छोटी वाली बच्चिया को, उसकी बच्ची को। मेरी बच्ची ले जो ऐसी है, तेज है, औलाद को डांटे जाकी, वो बहुत तेज है, जो तेज है। हाँ हाँ, तो अभी जैसे मैं आई हूँ न्यू सलन लगी वास्तव में हमारी भूगे। देखो 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 तो गौरी देखा गौरी ओरी गौरी गौरी आ देखो देखो गौरी गौरी क्या खा रही है क्या खा रही है गौरी ले ले घंटा में तो जो लगे ऐसी बात तो ये कहा ऐसे वो तो बात सही है। मैं पूछ बोले पूछ भी कहने वाला हूँ भाई चांस ना है। बस फ्रेंड्स, उसके बाद में हम लोगों ने खाना खाया, और उसके बाद में हम लोग आ गए थे मार्केट, मैं और दिव्या, क्योंकि कल जो मैंने कपड़े ले गई थी उसके लिए, जब बुंडन था उस दिन के लिए कपड़े ले गई थी ना, तो वो थोड़े छोटे थे तो चेंज करने थे। और मैंने उसी दिन आपको दिखाया था कि मैंने रात में शॉपिंग की घर से मतलब वहाँ से आके, और तो कपड़े छोटे थे, तो अच्छा हुआ मैंने यहीं से की, क्योंकि भाई देखिए बच्चों का साइज़ पता नहीं चलता, बड़ा छोटा हो जाता है। तो फिर हम और दिव्या चेंज करने के लिए आए थे, क्योंकि आज ही हमें भी निकलना है, और आज ही मतलब मेरे चाचा जी और मौसी वगैरह उनको भी निकलना है, आज ही सबको निकलना है। तो हम लोग बस दोपहर के टाइम में खाना खाने के बाद लगभग 12 बजे करीब हम लोग आ गए थे मार्केट।
तो ये देखिए हम लोग देख रहे हैं, मतलब पर्स वगैरह देख रहे हैं, क्योंकि आज जो है दक्षु की मम्मी का बर्थडे भी था, तो उनको भी थोड़ा गिफ्ट भी देना था, भाभी वगैरह ने भी मंगाया था, तो वही हम देखने आए हैं बस यहाँ पे। ओम क्या खा रहा है, क्या खा रहा है, क्या है ये? पानी पूरी। ओए पड़ाके तोड़ दिया, कहाँ है? खांटा देखो, पानी मिला। अरे ये तो बड़ा कर रहा है ये तो। मैंने बोला पानी मिला, पानी मिला के भी ये लगी। देखियो गोलगप्पे कितने बढ़िया लग रहे हैं, देखियो। ओए है तोड़ दिया, कटोरी बना दी इसने तो। दो कटोरी बन गई, देख दो कटोरी बन गई तो। तो फ्रेंड जैसे हम मार्केट से आए थे तो लगभग यहाँ पे 3 बजे का टाइम हो रहा था, और यहाँ देखिए गोलगप्पे बनाए थे चाची ने, राधिका की मम्मी ने, मतलब दोपहर में सब लोग बैठे थे, बोले चलो हमारे यहाँ काम तो बहुत जल्दी निबट जाता है, यानी 12 तक तो फ्री हो जाते हैं सब लोग, तो बैठे थे सब लोग, तो चाची ने बोला चलो पानी और गोलगप्पे रखे थे ये मार्केट वाले हैं, तो वो वाले बना दिए थे, और पानी वगैरह बना दिया था, आलू बॉयल कर लिए थे, तो सभी लोग देखे बैठ के, राधिका यहीं पे ले आई थी, और भाभियाँ वगैरह सब आ गई थी गोलगप्पे खाने के लिए, बोले थोड़े थोड़े जितने थे, बोले मेरा मन किया कि चलो गोलगप्पे सेक देती हूँ, अभी इस टाइम सब बच्चे भी हैं, सब बहुएँ हैं, सब बेटियाँ हैं, तो सब खा लेंगे थोड़ा बहुत। और पानी जो आपका कलर वैसा लग रहा है क्योंकि इसमें धनिया नहीं है, बाकी पानी बहुत टेस्टी था, एकदम बहुत ही गजब का पानी था। लाया रखूं पल्ले? आ रही है, टीवी चल रही है। अच्छा ले लूंगी मैं, दिव्या को बताते हैं, पानी बहुत अच्छा है, 60 ही तो बनाया हो, 60 ही को बनाया चाची भाई, खट्टो है ना, ज्यादा खट्टो अच्छा लग रहा है, एक खा लो खुल में खाना। मुबारो ना है, सॉफ्ट है, ज्यादा ना चलाओ माँ, खा रहा था खा। मैं तो नहीं तो मैं तो टेस्ट आगे लगा तो पापड़ जैसा लग रहा है। हाँ है। तो फ्रेंड्स बस मैं वहाँ से जो है घर से चल दी थी, और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, और वहाँ से मैंने इसीलिए कोई व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि उस टाइम सभी को जाना था, यानी हम सबका टाइमिंग सबकी सेम थी, मेरी मैं भी इसी टाइम निकली थी, चाचा जी और इनको भी जाना ही था आज ही, क्योंकि कल से चाचा जी की ड्यूटी थी, इस वजह से उनको भी आज ही निकलना था, तो वो भी निकल गए, और चाचा जी की तीनों बेटियाँ वो भी निकल गई आज ही, और क्योंकि दूसरे दिन चौथ भी थी इसलिए, और दूसरा राधिका बस रह गई है क्योंकि राधिका को परसों जाना है, मतलब 2 दिन बाद जाएगी वो, और अभी हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे, यानी बस ने हमें यहाँ उतार दिया था, तो उधर ये हमें लेने आ गए थे, यही अब मतलब इतना इजी हो गया है एक्सप्रेस वे बनने से ना, क्या होता है कि ये मुझे यहाँ से बिठा देते हैं और वो वहाँ भैया ले लेते हैं, या फिर इधर जैसे कि वहाँ से उधर में बैठ जाती हूँ, क्यों किसी को परेशान करना है इधर से उधर से। तो देखिए बस मैं पहुंच गई, और इसके बाद हम जाएंगे घर राघवपुर, थोड़ा प्यास लगी थी तो पानी पिलाना था बस, यहाँ से ऑटो लेना है हमें, ऑटो का ही हम वेट कर रहे थे, ऑटो से बस सीधा लेके घर चले जाएंगे, और अंधेरा तो खैर हो ही गया था क्योंकि बहुत मतलब 6 बजे तक भी धूप रहती है, तो मैं वहाँ से 6:30 करीब चली थी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज है गंगा दशहरा, और बस मैं नहा के पूजा पाठ करके आ गई हूँ, और अभी मैं हूँ किचन में, और मैं बनाने जा रही हूँ जलेबी। तो जलेबियों के लिए बैटर मैंने बना लिया है, और इसमें मैंने मैदा ली है, थोड़ी सी सूजी ली है, थोड़ा दही लिया है, और थोड़ा डालूंगी बेकिंग सोडा, तो ये भी डालूंगी, और उसके बाद जलेबी मैं बनाऊंगी। बहुत सारी जलेबी शेयर कर चुकी हूँ मैं आपके साथ में, कई सारी रेसिपी जलेबी की, मतलब कई तरीके से, सूजी की अलग, दाल की अलग, मैदा की अलग, कई तरीके से मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, और सिर्फ मैदा मैदा से भी। तो देख लीजिएगा अगर आपको रेसिपी चाहिए तो, नया ही तो मैंने कल अपने दूसरे चैनल पे अपलोड की है दीपिका की रसोई वाले में, वहाँ भी आपको मिल जाएगी। तो
तो ये मैं बैटर बना के तैयार कर ली हूँ। देखिए इस तरीके का बैटर होता है जलेबी का, थोड़ा सा थिक, एकदम पतला नहीं होता, इस तरीके से गिरता हुआ होना चाहिए। ये देखिए तो बैटर मैंने बना लिया है और अब बनाने जा रहे हैं जलेबी, क्योंकि आज जलेबी बनती है। बाहर से मैं नहीं मंगाती हूँ, आपने जब भी देखा होगा मैं घर पे बना लेती हूँ, तो मेरे कई सालों से मैं बाहर से बिल्कुल भी नहीं मंगा रही हूँ, घर पे बना लेती हूँ। और क्या, तरबूज होता है भोग में, वो पूजा वही नॉर्मल तरीके से पूजा होती है, और इसका मतलब थोड़ा जलेबी और इनका दान किया जाता है, यही होता है सिंपल सा हमारे यहाँ पे, और कहाँ कैसे होता है मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ यही होता है बस, दशहरा इसी तरीके से मनाते हैं। तो मैं बस ये बैटर थोड़ी देर रखूँगी जिससे कि अच्छे से फूल जाए, तैयारी कर लेते हैं। चलो बेटा नहाओ जल्दी जल्दी। तो फ्रेंड्स मैंने इसमें मिलाया था बेकिंग पाउडर आधा चम्मच, और अगर आप बेकिंग सोडा यूज़ कर रहे हो तो एक चौथाई चम्मच काफ़ी रहता है। मैंने यहाँ पे बेकिंग पाउडर लिया था इसलिए मैंने आधा चम्मच लिया था, आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा। उसके बाद मेरे पास जो है जलेबी मेकर था, जो सॉस बोतल होती है वो वाली, तो उसमें से ही बनाऊंगी मैं। अगर आपके पास नहीं हो तो आप कोई भी पॉलीथीन का यूज़ भी कर सकते हो, जैसे दूध वगैरह की पॉलीथीन उसमें होल करके भी कर सकते हो, या कपड़े में भी आप मतलब होल करके वैसे भी बना सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो है चाशनी जो है मेरे पास रखी हुई थी, और ये वैसी नहीं थी, मैंने ना उस दिन गुलगुले बनाए थे ना, तो वो चाशनी मेरी एक्स्ट्रा थी, यानी चीनी मैंने बहुत ज़्यादा घोल ली थी, तो वो चीनी मैंने रख दी थी, तो वही मेरी चाशनी बन गई। चाशनी इसके लिए पता ही है, गुलाब जामुन जैसी बनती है, ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनती है और थोड़ी सी चिपचिपी टाइप बनती है। तो बस यहाँ पे मैंने जलेबी बनाने के लिए ना उसका यूज़ किया है थाली का, जैसे कि मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था, आपके पास तवी नहीं हो, जैसे कि इसके लिए जो कढ़ाई होती है फ्लैट वाली होती है वो ना हो, तो आप परात में सेक सकते हो। तो मैंने यहाँ पे परात की जगह थाली रख दी है, थोड़ी सी गहरी होती है ना, उस टाइप की थाली चलती है इसमें, उसमें आप आराम से सेक सकते हो, थाली भी नहीं जलती है। और बस यहाँ पर मैंने इसमें उतना घी किया था, बहुत ज़्यादा नहीं किया था कि जलेबी थोड़ी सी डूब जाए, बस उतना ही घी किया था, ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो फिर जलेबी ना ऊपर अच्छे से बन नहीं पाती है, शेप नहीं आ पाती है। तो बस यहाँ पे जलेबी जो है बन रही है, और मम्मी खड़ी है भोग लगाने के लिए, ठाकुर जी वगैरह की पूजा वूजा सब कुछ हो गई है, और क्या मैंने बताया था ना, मैं पूजा वूजा करके आ गई हूँ, बस भोग लगाना है। तो यहाँ पे देखिए जलेबी जो है कितनी अच्छे से सिक रही है, और जलेबी सेकने के लिए ना चिमटे का यूज़ करना चाहिए, बस इस तरीके से चिमटे से बहुत ईजी रहता है। और थाली में आप देख सकते हो कितना घी है, और बहुत अच्छे से जलेबी एकदम से फ्लैट फ्लैट बन रही थी, बड़ी ईजी बन रही थी। तो यहाँ देखिए डालते ही मैंने उसको डाल दिया है चाशनी में, और चाशनी इसकी जो है बहुत ज़्यादा ना गर्म बिल्कुल भी नहीं रखिएगा जब आप इसमें डालते हो चाशनी में जलेबी को, तो चाशनी गर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जलेबी गर्म होती है, और चाशनी अगर गर्म रखेंगे तो फिर जलेबी ना वो एकदम गीली गीली सी बनेगी, ढीली ढीली सी, टाइट नहीं रहेगी। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि चाशनी जो है वो गर्म बिल्कुल भी ना हो, हल्की गुनगुनी होनी चाहिए, मतलब उंगली सहती हुई। तो ये देखिए अच्छे से रस पी लिया है उसने कुछ ही सेकेंड्स में, और यहाँ पर मैं इसको निकाल दे रही हूँ। ये देखिए अभी आपको दिखाऊँगी भी कि कितनी अच्छी और रसीली जलेबी बनी है मेरी, एकदम करारी करारी और रसीली रसीली, देखिए एकदम मार्केट जैसी लग रही है ना, पतली पतली, ना ही ज़्यादा मोटी है ना ही बहुत पतली है, और एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी सी जलेबी बनके तैयार हो गई है, ये देखिए। तो बस देखिए मैं आपको और क्लोज दिखा रही थी कि कितनी अच्छी जलेबी बनके तैयार हुई है, बस मुझे अब यहाँ पे भेजना है इसको भोग के लिए, और पापा के लिए थोड़ा सा मैंने ना हल्का सा सॉफ्ट रखा, पापा ज़्यादा क्रिस्पी नहीं खा पाते, ज़्यादा टायर्ड नहीं खा पाते हैं, तो मैंने पापा के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट रखा है जलेबी को। और उसके बाद देखिए मैंने पोहे भी बनाए थे साथ में, क्योंकि मीठे के साथ नमकीन अच्छी लगती है, ज़रूरी लगता है कि एकदम मीठा खा करके भी हो जाते, तो मैंने यहाँ पे बनाया है पोहा। और ये थे नहीं, ये चले गए थे आगरा, बस मैं मम्मी पापा बच्चे ही थे, ये अपना नाश्ता करके चले गए थे, लस्सी वगैरह पी के चले गए थे। और ये देखिए यहाँ पे ये और मेरी और राघव की प्लेट लगी हुई है, सब लोगों ने कर लिया था, हम ही लोग रह गए थे। तो फ्रेंड्स अब अपना नाश्ता लेके आई हूँ, जलेबी और पोहा, नीचे नहीं प्याज, वो सॉरी प्याज मम्मी पापा के लिए नीचे पहुँचा दिए हैं, और मैं और रघु लेके बैठे खाने के लिए। ये देखिए तो अभी मैं जलेबी तो सबने खा ली थी देर की, मेरी रह गई थी, मैंने कहा पोहे बना ली थी क्योंकि मीठे के साथ में नमकीन चाहिए कुछ, तो बस आप लोग भी आ जाइए, देखिए दो दो बिंदी लग रही है मेरी, आप लोग भी आ जाइए नाश्ता कर लीजिए हमारे साथ में, तो ऐसे ही बनाते मम्मी किसकी हो तो चलिए मजाक तो चलता रहता है, खास ऐसा नहीं, सब जैसे सब बनाते वैसे मैं बनाती हूँ। मम्मी किसकी है? राघव की।
तो चलिए अभी इस ब्लॉग का भी मैं यहीं पे एंड कर दूँ, क्योंकि ये ब्लॉग उस दिन का था और ये पार्ट जो है दशहरा वाले दिन का था, यानी 2-3 दिन का इसमें गैप था। तो अगली वीडियो में आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। थैंक यू।